शपथ ली है और ADC से और अकाउंट्स ऑफिसर थे उनसे सबसे बातचीत करी उसके बाद, और 16 तारीख को हमने हाउस की पहली मीटिंग बुलाई है जिसमें हम अपने सारे एजेंडाज रखेंगे और जितना भी पैसा है उसको जल्द से जल्द मार्च से पहले ताकि वो लैप्स ना होए हम उसको रिलीज़ करवाने का काम करेंगे। अभी जो मेन पैसा हमारे पास आया हुआ है वो एक तो महिला संस्कृति केंद्र का है, ई लाइब्रेरीज का है, जिम का है, उसके अलावा मेरे ख्याल 1.5 करोड़ रुपए और अनटाइड फंड्स हैं, तो उसको किस प्रकार लगाया जाए। और जहाँ तक जिम और लाइब्रेरी की डिमांड्स हैं वो हमारे पास आई भी हैं, तो हम इसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करवाने का काम करेंगे। अब पिछले 2 सालों में जितना जिला परिषद का फंड लगा है और वो कैसे लगाए उसका भी हम जिस दिन हाउस की मीटिंग हुएगी उस दिन हम डिमांड रखेंगे कि हमारे को उसका सारा हिसाब दिया जाए ताकि हम उस पर चेक करें कि वो पैसा कहाँ लगाए कैसे लगाए। देखिए हालात जहाँ तक प्रदेश के हैं सरकार की बेकायदियों की वजह से बहुत ख़राब हो रहे हैं। कर्जे की बात जहाँ करें तो जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था उस समय प्रदेश के पास पैसा पड़ा था, और उसके बाद इन 20 सालों में हमारा प्रदेश कर्जे में गया है। आज ऐसी नौबत है जहाँ सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की बेकायदियाँ उनका विरोध बिल्कुल जायज़ है। जहाँ पर सरपंचों की बात करें, अगर प्रदेश का मुखिया एक मुख्यमंत्री है तो एक गांव का मुखिया सरपंच है, उसके पास ये अधिकार क्षेत्र होना चाहिए कि वो उस फंड को कैसे लगाए, क्योंकि एक सरपंच को पता है उसके गांव में कहां पे काम होने हैं, क्या काम होने हैं, कैसे होने हैं, इस पर सरकार फैसले नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा तो ये है कि चलो अगर सरपंच उस पैसे को रिलीज़ भी करवा देता है तो BDPO रोक सकता है, आगे उसको जिला परिषद का CEO रोक सकता है, DC रोक सकता है, तो ये तो कहीं ना कहीं नाजायज़ है सरपंचों के साथ। और सरपंचों की इस मांग में हमने पहले भी समर्थन किया, मैं जींद गया, मैं वहाँ पर भी जा कर के आया, हम सरपंचों के साथ खड़े हैं, जहाँ तक उनकी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी उनके साथ रहेंगे। हम आपको सारा रूट 11 तारीख को दे देंगे, उससे पहले हमारी यहाँ पे 7, 8, 9 तारीख को जितने वॉलंटियर्स हैं उनका हम कैंप लगाएंगे, उनकी क्या जिम्मेवारियाँ रहेगी, उनकी यात्रा के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रहेगा, उस सब के लिए 3 दिन का हमने हरियाणा के सारे वॉलंटियर्स को यहाँ पे बुलाया। इनको एक का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता उसमें, हम 45 पहुँच गए तो इनका क्या हाल होगा। आगे की जो पार्टी का आदेश होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले जिस CD को हासिल किया है इसमें जितना ज़्यादा काम कर सके पहले उस पर जोर रहेगा। जी बिल्कुल करवाएगी उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसपे मेंबर की सदस्यता होगी और जल्द उसके चुनाव डिक्लेयर करे जाएंगे कि कौन सी तारीख को होंगे। अभी नॉमिनेशंस ले रहे हैं हम युवा साथियों से और काफ़ी भारी संख्या में युवा इसमें जुड़ रहे हैं।